अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए, नई वीडियो लेके आए। आजकल आप देख रहे होंगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और सर्द गर्म हो रहा है और खांसी की जुकाम की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और हम यह आपके लिए आइटम लेके आए, शरबत एक शीरे सवाल। ये सदर लैबोरेटरीज का यूनानी फॉर्मूला है खांसी के लिए। कफ, जिन्हें कफ खांसी होती है उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट है इसमें, और जिन्हें ड्राई खांसी होती है उसमें भी काम करता है। जिन्हें सदा बाहर जुखाम रहता है या नज़ला रहता है या कफ चौक हो जाता है, सीने पे बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, उसके लिए बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। सदर एक यूनानी अपनी कंपनी है जो बहुत बेहतरीन फॉर्मूले के साथ आइटम बनाती है। आप देखिए शरबत एक सीरे सवाल बेसिकली कफ के लिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो कफ चौक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है या सांस फूलने लगता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और आमतौर में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जुकाम खांसी की बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, तो हमने इसी के ऊपर आज एक बेहतरीन वीडियो बनाई, आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आए, आप लोगों को दिखाया कि हमने कि देखिए सदर के शरबत एक सीरे सवाल कंपनी का आता है जो कफ के लिए कितना मुफीद, कितना फ़ायदेमंद है। और आप देखेंगे और भी ज़्यादा जो आप देखेंगे जो जुकाम हो जाता है या बलगम बनने लगता है और खांसी यहाँ पूरे सीने में कफ जम जाता है और निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो ये कफ को टुकड़े टुकड़े करता है, मुँह के ज़रिए धीरे धीरे निकालता है। और जिस भी व्यक्ति को या किसी को भी, छोटे से बड़े इंसान सबको दे सकते हैं। और जिसे भी खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो रहा हो या बहुत ज़्यादा कफ बनना हो, वो शरबत एक सीरे सवाल ले सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसे लेने की अवधि बस दो दो चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लुकवॉर्म यानी गुनगुने पानी के साथ लें, और ज़्यादा हो तो दिन में तीन बार ले सकते हैं। और इसे कम से कम एक हफ्ता कंटिन्यू लें, क्योंकि आपकी जो ये फेफड़ों में आप देखेंगे बलगम जमा होगा, ये पूरा क्लियर करेगा और बेहतरीन आपको खांसी से फ़ायदा दिलवाएगा इंशाल्लाह। हम पूरी उम्मीद करते हैं आप लोगों को फ़ायदा हो और हम ऐसी आपको नई नई वीडियो ला के देते रहे, आपको बताएं बेहतरीन चीज़ें यूनानी में, आयुर्वेदिक में। अगर हम इसमें बात करेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हुए, आप इसमें देखेंगे बनफ्सा है, अजवाइन है, उस खुद्दू से जिंजर तक इसमें मिला हुआ है, और यूनानी की तो बात ही नहीं है, इतनी ज़बरदस्त पेथी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम फिर एक और नई वीडियो के साथ आएंगे आपके सामने, नए टॉपिक लेके आएंगे और एक और बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे आजकल का जो मौसम चल रहा है उसके ऊपर। चलिए, और आपको हमें पता ही है जो हम आपके सामने आते हैं, हमारा बाजार आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, किस पे हम आपको बताएं। आप हमें बता भी सकते हैं और आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं, हम ऑर्डर फुलफिल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी इंडिया में, हिंदुस्तान में, अपने जहाँ का भी ऑर्डर होगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पहुँचाने की। और हमने अपना यूट्यूब पे नंबर भी मेंशन कर रखा है, इंस्टाग्राम भी पेज है हमारा, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, हमने सारी डिटेल डाल रखी है। अगर आपको कॉल से कॉन्सल्टेट करना है या बात करनी है हमसे या किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी है, हमारा नंबर भी डला हुआ है, आप उसके ज़रिए बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे इंशाल्लाह, या आप हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन चीज़ बेहतरीन तरीके से बताएं। और इसके आप देखेंगे कोई नुकसान नहीं है शरबत एक सीरे सवाल के, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक लेना नहीं चाहिए। और ये शरबत एक सीरे सवाल मीठा होता है तो शुगर वाले अवॉइड करें, जिन्हें ज़्यादा शुगर होती है वो ना लें, जिन्हें कम शुगर है, अन्यथा बच्चे बड़े बूढ़े सब ले सकते हैं, पर डोज़ का फ़र्क होता है। बच्चों की डोज़ आपको पता ही होता है 5 ml की होती है और बड़ों की डोज़ 10 ml की होती है। चलिए दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आएंगे कुछ नया लेके। अल्लाह हाफिज़।